तो ये सारा, अभी हम रुके हैं जस्ट यहाँ, ये सारा टिहरी का डैम है, एशिया का लार्जेस्ट डैम जो है टिहरी डैम। तो ये आप देखिए यहाँ से, और इसके आगे पूरी झील जो सारा पानी है बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो अभी ऑलमोस्ट हमने हाफ ट्रैक अपना कर लिया है, जस्ट ये ट्रॉली के पास पहुँच गए और वो नीचे मार्केट जहाँ से ट्रैक शुरू किया था। तो इस टाइम हम तीनों मंदिर की जस्ट परिक्रमा कर रहे हैं। बाकी माता रानी से दुआ करता हूँ, माता रानी आप सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है डायरेक्ट उत्तराखंड से, और अभी मैं यहाँ अपने चाचा जी और के घर हूँ। फिलहाल ये शायद गाय वगैरह थी यहाँ, वो सब जा चुकी है चरने के लिए नीचे खेतों में, और यहाँ जैरी बैठा हुआ है। सागर कहाँ गया चाची? अच्छा, तो ये फ्लावर्स देखिए कितने अच्छे हैं, ये मुझे बहुत बढ़िया लगे थे। और ये जैरी बैठा हुआ है सामने। हेलो जैरी, जैरी ओए। और ये बहुत अच्छे लगे थे फ्लावर्स। ये आ गया मेरा भाई सागर। हेलो करो सागर। और बॉल मिल गई थी? हाँ। अच्छा, तो बस आज के दिन की शुरुआत सागर के साथ ही हो रही है, और आज हम जाएंगे सुरगंडा देवी माता जी के मंदिर, तो आपको भी बढ़िया से दर्शन कराएंगे। है सागर? हाँ। कल तो तुमने बताया नहीं कौन कौन से पेड़ थे, मैं देख रहा था, मेरे को समझ नहीं आया। आड़ू के लग रहे शायद ये। हाँ। कौन से ये वाला है? अच्छा, ये आड़ू का और वो आड़ू का है। हाँ। उसमें लगे भी हुए आड़ू काफी, मगर अभी बहुत छोटे हैं। अच्छा, ये वाला नहीं, ये क्या है, नाशपाती है क्या है? अच्छा, ये सेब का पेड़ है। अच्छा, और अभी लगे हुए हैं काफी सारे बट कच्चे हैं, और वहाँ भी लगे हुए, वो भी सेब का ही लग रहा है मेरे को, सेब का है ना। और पीछे वो नारंगी का लगा हुआ है माल्टे का, और वहाँ भी सेब का लगा हुआ है, तो बहुत बढ़िया है। वो सामने से बुआ जी भी आ गए हमारे। हेलो बस बाकी सारे सागर के खेत, वो नीचे गाँव, और सामने पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज ऊपर दिख रहा है। तो बस अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज ये आलू की पूरी, अचार, दही, ओ चाचा जी चाय भी ले आए। तो बस अब फटाफट से ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। कैसा रहा सुमित? एंड टेस्टी, बढ़िया है लकी, बढ़िया। चलो बस करते हैं ब्रेकफास्ट। ओके दाई जी, बाय 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 बाय। चल चल, चलते ठीक है, आपसे तो मिलूंगा भी आऊंगा, ठीक है। चलो जी, तो पूरे 8 बज रहे हैं, 8:03, तो बस अब निकलते आगे, करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू। ओके चाचा जी, बाय बाय बाय। अभी बस ही हम देवप्रयाग से 7-8 किलोमीटर पीछे रह गए हैं, तो यहाँ थोड़ा सा सड़क ख़राब चल रही है, क्योंकि रेलवे का चल रहा है प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा, तो उस करके थोड़ा सा ये सड़क का बेकार है हाल काफ़ी। तो सारा डंपिंग ग्राउंड, डंपिंग जोन बना रखा है इस एरिया को, तो जो भी आगे काम चल रहा है उसका सारा जो वेस्ट है वो सारा यहीं आगे डंप कर रहे हैं, जिसके कारण सड़क का काफ़ी बुरा हाल है। पर आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया फैसिलिटी जो है कि हो जाएगी ट्रेन की, जो कि कर्णप्रयाग तक लेके जाएंगे इस प्रोजेक्ट को ये। और यहाँ से सामने सारा व्यू दिख रहा है देवप्रयाग संगम का, और ये जस्ट पुल जो हमारे गांव को निकलता है देवप्रयाग से, अभी इसी पुल पे है, और वो सामने देवप्रयाग दिख रहा है पूरा। ताई जी और सागर को बिठा दिया इसमें ट्रैकर में, अब ये चल जाएंगे ऋषिकेश तक। तो ऋषिकेश से देहरादून ना, ठीक है ठीक है सब। सागर ताई जी मिलते हैं, फिर मिलते हैं शाम को। ओके, तो अब ताई जी और सागर चले गए हैं देहरादून के लिए, फिलहाल ऋषिकेश गए हैं, ऋषिकेश से देहरादून, और ताऊ जी लक्की नीचे संगम में पहुंच गए हैं। बस मैं और सुमित जा रहे हैं अब नीचे, अभी पहुंच गए हैं बिल्कुल संगम में, और ये छोटी सी बोतल ली है उसके लिए, गंगा जल के लिए, और सुमित तो काफ़ी बड़ी ले ली 5 लीटर की, तो बस 5 लीटर 10। तो बस अभी पहुँच गए हैं, ताऊ जी अभी नीचे होंगे, और रश देखिए आज कितना है संगम में, काफ़ी रश है। तो बस अब फटाफट से स्नान करते और जल्दी को कंटिन्यू करते, और वो सामने लोग राफ्टिंग भी कर रहे हैं, और यहाँ चल रहा है स्नान, हर हर गंगे, जय माता दी।
ये है इधर सामने रघुनाथ टेम्पल, जय श्री राम। तो भी स्नान करके बहुत मजा आ गया, काफी ठंडा पानी था, ठंडा एकदम ठंडा, बट काफी मतलब मजा आया, थकान सारी दूर होगी। कुछ पियेंगे यार, अब चिकन जी वगैरह बस कुछ पीकर निकलते हैं आगे। भैया चार नींबू पानी बना दो, बिल्कुल चिल्ड ठंडे। तो अब टाइम हो गया 11:15 और अब देवप्रयाग से निकल रहे हैं सूर्यकंडा देवी माता के लिए। तो ये सारा, अभी हम रुके हैं जस्ट यहाँ, ये सारा टिहरी का डैम है, एशिया का लार्जेस्ट डैम जो है टिहरी डैम। तो ये आप देखिए यहाँ से, और इसके आगे पूरी झील जो सारा पानी है बहुत दूर तक फैला हुआ है। आगे से आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ उसका मैं। ओहो ओ कहाँ तक गया हुआ, बल्कि इतना क्लियर दिख नहीं रहा है पर बहुत आगे तक गया हुआ पानी पूरी ये झील, मतलब कि वो वहाँ से होके और काफ़ी दूर पीछे तक है। अभी विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं है बट हमें पता लग रहा है देखने में, काफी दूर दूर तक पानी फैला हुआ है। और आगे से किसी से दिखेगा ताऊ जी व्यू अच्छा इसे? पता नहीं वहां से दिखेगा उस सामने। अभी हमने उस तरफ जाना होगा ना सामने, तो शायद अभी हम अभी नीचे जाएंगे तो उस तरफ वाली रोड पे आएंगे, वहां से एक बार और आपको क्लियर व्यू दिखाऊंगा। तो बस चलते हैं फिलहाल यहाँ से। तो ये अभी जस्ट हम डैम की रोड के ऊपर ही है, तो ये सारा टिहरी डैम है इधर भी और उधर, तो सच में बहुत बड़ा है ये। तो अभी हम दूसरी तरफ आ गए हैं डैम के, पहले मैंने वहाँ से कहीं से दिखाने की कोशिश करी थी आपको पर वहाँ से नहीं दिखा, तो अब इस तरफ आया हूँ, अब आपको यहाँ से दिखाता हूँ यहाँ का व्यू टिहरी डैम का। तो ये सारा है और इसका जो एंड पॉइंट है वो यहाँ से भी मतलब दिख नहीं पा रहा, बहुत आगे तक होगा दूर तक, और नीचे सारा वो बोटिंग पॉइंट है, यहाँ से बोट्स वगैरह लोग लेकर चल रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं। कहाँ तक? अच्छा वो जो लाइन सी दिख रही है ऐसे जहाँ मिट्टी मिट्टी दिख रही है तो यहाँ तक पानी रहता है वैसे, बट अभी पानी का स्तर थोड़ा कम है तो बहुत। दो नदियाँ ताऊ जी, तो भागीरथी और बिलंगाना। अच्छा बिलंगाना, बिलंगाना बिलंगाना, तो दो नदियाँ हैं जिसका पानी सारा इस झील पे आता है, भागीरथी और बिलंगना। तो बस ये है पूरा टिहरी डैम जो कि काफ़ी बड़ा है, तो आज फर्स्ट टाइम देखा तो सोचा आपको भी वीडियो के थ्रू दिखाऊँ। तो फ्रेंड्स अभी चंबा पहुँचे हैं, तो चंबा में जस्ट रुकेंगे, थोड़ा लंच वगैरह करते हैं फिर आगे चलेंगे। तो बस चलते हैं। अब यहाँ से तो भैया इस तरफ जाएंगे ना ऊपर को, ऊपर को है ना। चलो अच्छा, बस यहाँ से ऊपर का उसका जो मोड़ आएगी वहां से घूम के। अच्छा चलो धन्यवाद भैया। ये यहाँ सामने कोई एडवेंचर पार्क है शायद, करातल एडवेंचर पार्क है क्या लिखा हुआ है सामने, उधर बैनर लगा हुआ है, तो मे भी उस करके बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, तो काफ़ी लोग हैं यहाँ जो आ रहे हैं घूमने फिरने। तो वो ऊपर मंदिर दिखने लग गया है, ये ऊपर मंदिर है, और वो जो रोप वे है वो यहाँ से शायद अब इसके ऊपर से रोप वे का रास्ता मिलेगा, ये यहाँ से रोप वे से जाएंगे हम ऊपर मंदिर। और पिछले एक घंटे से जाम में लगे हुए, बस गाड़ी ऐसे स्लो 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 मूविंग ट्रैफिक चल रहा है। तो मंदिर के जस्ट मंदिर के बाहर हम 3 बजे के पहुंचे हुए हैं और अभी 4:40 हो गए, और अभी भी काफ़ी दूर गाड़ी खड़ी हुई है और पैदल पैदल जा रहे हैं मंदिर के गेट तक। जय माँ सुरकंडा देवी, जय माता दी, जय माता दी। तो ये सुरकंडा देवी रोपवे के लिए रास्ता यहाँ से है, बट अभी टिकट काउंटर आगे है तो देखते हैं आगे से टिकट मिलती है नहीं, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि आज रोपवे ट्रॉली चल नहीं रही है क्योंकि हवा काफ़ी तेज है, तो एक बार ट्राई करते हैं अगर मिल जाती है तो। तो भाई ये बैड न्यूज़ है, ये पीछे रोपवे काउंटर जहाँ से ये ट्रॉली में जाते हैं ऊपर ट्रैवल करते हुए, बट आज ये बंद है, आज ये रोपवे नहीं चलेगी क्योंकि हवा काफ़ी तेज है, तो पैदल ट्रैक करते जाना पड़ेगा माता जी के मंदिर। तो ताऊ जी वो यहीं रहेंगे शायद, ताऊ जी नहीं जा पाएंगे, बहुत चढ़ाई है, और वो ऊपर माता जी का मंदिर है काफ़ी ऊपर है, तो अभी हम 3 जाएंगे ट्रैक करते हुए, मैं सुमित और लक्की। तो बस चलते हैं फटाफट से और दर्शन करके आते हैं, ठीक है ताऊ जी आते हैं। जय माता दी।
और ये माता रानी के मंदिर की पूरी यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है, जो भी यहाँ का इतिहास है ये सारा लिखा हुआ है। तो माता रानी के मंदिर के लिए जो ये ट्रैक है ये 1.5 से 2 किलोमीटर का है, बट बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है तो काफ़ी थकान भी हो रही है, और ताऊ जी इसी करके आ नहीं पाए, उनको चलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी प्रॉब्लम भी है। तो इस तरह से कुछ चढ़ाई है, स्टेयर्स की सारी चढ़ाई है, सीढ़ीदार। तो बस चल रहे हैं माता जी का नाम लेके, जय माता दी। तो अभी ऑलमोस्ट हमने हाफ ट्रैक अपना कर लिया है, जस्ट ये ट्रॉली के पास पहुंच गए और वो नीचे मार्केट जहाँ से ट्रैक शुरू किया था। तो यहाँ से आप व्यू देखिए, इस तरह का कुछ सारा ये व्यू है, और ये रास्ता जो ट्रैक करते हुए मंदिर तक जाना है। जय माता दी। तो यहाँ बंदर महाराज एंड आराम से आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम नहीं वैसे बिस्किट है ये, और लक्की वो सामने बैठा है, इधर पहुंच गया। काफ़ी थकान होगी ट्रैक करते करते, बट फाइनली थोड़ी हिम्मत मिली, माता का भवन अब सामने दिख रहा है। एक्चुअली बहुत ट्रैक करे हैं, केदारनाथ, तुंगनाथ, चंद्रबदनी, और भी अपने गांव में उत्तराखंड में साथी हेमकुंड साहब, बट ये जो ट्रैक है सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर का है, बट काफ़ी खड़ा ट्रैक है, बिल्कुल स्ट्रेट, काफ़ी स्ट्रिक्ट चढ़ाई है, तो सांस ना फूल रही है। बट फिर भी भाई हम जो पिछले दो मतलब हमने ट्रिप करे उत्तराखंड के भी रिसेंटली, उससे काफ़ी स्टेमिना बढ़ा है हमारा, बिल्ड हुआ है, अदरवाइज शायद यहाँ और बुरा हाल हुआ था, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। जय माता दी, जय माता दी। तो पहुँच गए माता के मंदिर। जय माता दी। तो ये पहुंच गए माता के दरबार। जय माँ सुरगुंडा देवी। लास्ट आरती कितने बजे? 7:30। तो ठीक है, अभी प्रसाद ले लिया अभी, तो भाई ने बताया लास्ट आरती 7:30 भी होती है, और अभी टाइम हो रहा है 5:37 हो चुके हैं, तो 4:45 ही चढ़ाई शुरू कर दी हमने। अच्छा प्रसाद यहीं से? प्रसाद यहीं से ले। तो भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब भी कोई मंदिर आए तो प्रसाद यहीं से ले। एक्चुअली ये मंदिर की बैक साइड है, अगर आप प्रसाद नीचे से नहीं भी लेंगे मार्केट से तो मंदिर की जस्ट बैक साइड से मिल जाएगी, और ये भाई की दुकान है इधर पीछे मंदिर के। जय माता दी। तो अब करते हैं माता रानी के दर्शन। जय माता दी, जय माता दी। तो अभी माता रानी के बहुत बढ़िया से दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे से। तो यही वो स्थान है जहाँ माता रानी का सर गिरा था, बाकी जहाँ उनका बदन गिरा था उस स्थान का नाम पड़ा चंद्रबदनी, और जहाँ उनके चरण गिरे थे वो जगह है कांटा मंजीन। तो अपने उत्तराखंड के इन दो ट्रिप में जो हम लास्ट टाइम आए थे और इस टाइम आए, हमने इन तीनों सिद्धिपीठ जो है माता रानी की, ये सुरगंडा देवी माता, चंद्रबदनी माता और कांटा मंजीन माता, वो तीनों के दर्शन बहुत अच्छे से करे, और मैंने कोशिश करी कि अपनी वीडियो के थ्रू आपको भी अच्छे से करा सकूँ। तो बस ऐसा कुछ व्यू है माता के मंदिर का। तो इस टाइम मंदिर की बैक साइड में जस्ट मैं खड़ा हूँ, और ये चारों ओर का व्यू है तो काफ़ी बढ़िया है, और ये बैक साइड में कुछ फास्ट फूड वगैरह की दुकान है, खाने पीने का मतलब रिफ्रेशमेंट आप ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। और यहाँ से वो वहाँ दूर नीचे जहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया था वो जस्ट वो जगह है, तो काफ़ी यहाँ से दूर दिख रहा है, और व्यू देखिए आप चारों ओर पूरा मतलब जंगल वगैरह का, और सारा ये बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे है माता का मंदिर, तो बहुत ही अच्छा है। और काफ़ी इस टाइम ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, तो इस टाइम हम तीनों मंदिर की जस्ट परिक्रमा कर रहे हैं। बाकी मैं माता रानी से दुआ करता हूँ, माता रानी आप सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं। तो बस एक बार परिक्रमा पूरी करते हैं और फिर चलते हैं। जय माता दी। ये था माता सुरगंडा देवी जी का मंदिर,
तो उम्मीद करता हूँ आप सबने अच्छी दर्शन कर लिए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलेंगे अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।